नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण। पिछले वीडियो में मैं रॉ अगरबत्ती का कॉस्टिंग निकालना बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगरबत्ती को डीपिंग कैसे करें, अगरबत्ती डीपिंग करने के लिए हम परफ्यूम में कैसे डीप करें। परफ्यूम में डीप करने के लिए हमें सबसे पहले डीपी और सेंट का डाइल्यूशन तैयार करना पड़ता है। डाइल्यूशन तैयार करने के लिए हमें 4 किलो डीपी और 1 केजी परफ्यूम की जरूरत पड़ती है, जो मेरे पास मैंने यहाँ रखा है। अभी मेरे पास ये पाइन एप्पल का है परफ्यूम 1 केजी, और चंदन का 1 केजी, और दिल का है 1 केजी, और काशी धूप का 1 केजी है। हमें डाइल्यूशन तैयार करने के लिए सबसे पहले ऐसा गैलन हमें चाहिए, जितना केजी परफ्यूम उतना गैलन। ऐसा अगर हमें 2 किलो परफ्यूम तोड़ना है तो उसके लिए इससे बड़ा गैलन आएगा। तो जितना केजी परफ्यूम रहेगा उतना केजी 5 केजी का गैलन रहेगा। तो हम इसमें 4 केजी डीपी और 1 केजी परफ्यूम का डाइल्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये 4 किलो डीपी है, 4 किलो 90 ग्राम, 90 ग्राम का कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसके लिए नहीं है। तो अब हम इसमें 1 केजी चंदन परफ्यूम को रखूंगा। लिए 1 केजी चंदन परफ्यूम को तोड़ने जा रहा हूँ। मैं दूसरा कोटा डालूंगा। मैं चंदन का दूसरा कोटा डालूंगा। ये मैंने दोनों बोतल इसमें खाली कर दिया चंदन का, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 5 किलो हमारा डाइल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा 5 किलो डाइल्यूशन तैयार हो गया। जब ये 5 किलो तैयार हो जाए तब हमारा अगला प्रोसेस आएगा, इसको हम बंद कर देंगे, इसमें कवर लगा करके इसको बंद कर देंगे। और कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा अगर हिलाना है तो हिला देंगे, और इसको पास बनाइए। अब ये डाइल्यूट परफ्यूम को 24 से 48 घंटे तक इसको कैप लगा के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जब हमारा डाइल्यूशन 24 घंटा पूरा हो जाए तो अगला प्रोसेस आएगा। अगर रखी दीजिएगा तो हमारा ऐसा डॉग रखी है और आपको इस टाइप का गैलन लेना पड़ेगा। इस टाइप का गैलन इसलिए ताकि हमारा अगरबत्ती इसमें आसानी से डूब जाए। तो चलिए हम इसमें परफ्यूम डालते हैं। ये डाइल्यूशन याद है, 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद इसमें डालना। दोस्तों, मैंने ये इसमें परफ्यूम निकाल लिया है, डाइल्यूट परफ्यूम को मैंने इसमें रख लिया है। अब आता है अगली बारी इस अगरबत्ती को इसमें डुबाने का। तो हम इसको कैसे डुबाएंगे, कितना टाइम तक रखेंगे, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कि देखिए, जस्ट लाइक आपको डुबाना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और ऐसे डालना है और ऐसे निकाल लेना है।
अब आप कहेंगे कि बीच में सेंट नहीं गया होगा, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि बीच में सेंट नहीं गया है, तो मैं उसको बता देना चाहूँगा कि इतना में ही हमारा बीच में परफ्यूम चला गया होगा, तो इसमें पूरा अच्छी तरह से परफ्यूम लग गया है, देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से परफ्यूमिंग हो गया है। अब इसको मैं कितना देर तक इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दें धूप में या ऐसे छांव में, कहाँ सुखाएं, इसको कहीं पे भी नहीं सुखाना है। हाँ, मैं एक बार और बता दूं कि इसको कहीं भी नहीं सुखाना है, बस अब क्या करना है, इसको आपको इसको उठाना है और डायरेक्ट जो परफ्यूम का गीला है उससे कोई मतलब नहीं है, अब हम इसको डायरेक्ट पैकिंग कर सकते हैं। आपको पैकिंग करने के लिए कोई भी जीपर का यूज कर सकते हैं, पाउच का यूज कर सकते हैं। ये हमारा जीपर हो गया, इस पर भी हम पैक कर सकते हैं। इसको वजन करके या कैसे भी करके हम इसको इसमें डाल के पैक कर देते हैं। अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें भी पैक कर लिए हुए हैं। मैंने चंदन का परफ्यूम डाला है, तो चंदन का ही रैपर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं इसको भी पाउच में गिन करके इसमें पैक करके मार्केट में ले जाऊंगा। और उसके बाद ये हमारा पांच वाला गुलाब है, आप इसमें भी डायरेक्ट पैक कर सकते हैं। हाँ, सूखने के लिए कहीं नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसका अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, इसका कॉस्टिंग कैसे निकाले, इसका मार्जिन कैसे निकाले, इसका मैं अगला वीडियो नेक्स्ट डे डालूँगा। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो और हमारा यह वीडियो आप तक पहुँच चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक तथा कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके हमें सेंड कर दें। धन्यवाद।